अररिया सदर अस्पताल के कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। दरअसल 40 वर्षीय व्यक्ति 23 जून को बंगलोर से अररिया अपने गांव आया था। यहां उसकी तबीयत जब खराब रहने लगी तब उसने प्राइवेट डॉक्टरों से अपना इलाज कराने लगा, लेकिन उसकी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो अपना इलाज कराने अररिया सदर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखकर उसका कोविड-19 का टेस्ट करवाया और उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दरभंगा ले जाने से पहले अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों ने सबको एम्बुलेंस में मृतक के घर भेज दिया। जब सब मृतक के गाँव पहुँचा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ने समझदारी दिखाते हुए अस्पताल के अधिकारियों से मृत व्यक्ति की कोविड की जांच रिपोर्ट की मांग की और जल्द रिपोर्ट देने को कहा। देर रात सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि मृत व्यक्ति का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो गाँव में हड़कंप मच गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जब कोविड का टेस्ट किया था तो किस आधार पर सबको बिना पैक किए ग्रामीणों के बीच भेज दिया। ऐसे में तो सबके संपर्क में आने वाले सभी पॉजिटिव हो जाते, जिसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग से ना तो कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी सबको दफनाने के लिए गांव आए। वहीं इस मामले में अररिया सिविल सर्जन ने कहा कि सैंपल टेस्ट के लिए लेकर मरीज को दरभंगा रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसकी मौत अस्पताल में ले जाने के क्रम में ही हो गई। हमने पीपीई किट और सबको पैक कर एम्बुलेंस में मृतक के घर भिजवाया है। वह व्यक्ति लगभग 10 दिन पूर्व बंगलोर से आया था और उसका इलाज जो है सो एक प्राइवेट डॉक्टर है नैयर हबीब, उनके यहाँ इलाज चल रहा था। उसके बाद जो है सो करीब उसकी तबीयत कल खराब हो गई, उसकी तबियत जो है सो ज्यादा खराब हो गई, तो उसे हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए आया। जैसे ही लोग यहाँ हमारे डॉक्टर ने देखा उसकी तबियत खराब हो रही है तो उसका पहले स्वाब लिया और फिर उसको रेफर कर दिया दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, लेकिन वो ले नहीं गया और लगभग एक घंटे डेढ़ घंटे के बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर जब हम लोग का स्वाब का रिपोर्ट आया तो देखे कि पॉजिटिव है। फिर उसके डेड बॉडी को हम लोग बढ़िया से लपेट दिए पॉलिथीन में, प्लास्टिक में, और उसके जो है सो घर भिजवा दिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उस व्यक्ति को शुरू में ही आकर के कोरोना का जांच करवा लेना चाहिए था, क्योंकि बाहर से आया था। माने अभी है, पहले जब एक एक आदमी बाहर से आया था तो सभी का हम लोग ट्रैक किए हैं, सभी के घर घर जा कर के उसको कोई सिम्टम है कि नहीं ये सब देखे हैं। दूसरे राज्य से चाहे बंगलोरी सब तो हाई रिस्क वाला एरिया में आता है और वो बंगलोर से आया है और किसी को सूचित नहीं किया। दूसरे डॉक्टर साहब को भी जो है ताजू बहन डॉक्टर साहब भी एमडी है जनरल मेडिसिन में, उनको भी कम से कम जब उनको तो पता था वो तो मरीज बोला ही होगा कि हम बंगलोर से आए हैं, और तब उन्होंने जो है सो कोरोना का जाँच नहीं करवाया है। और जब काफ़ी सीरियस हो गया है मरीज तब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हम भेज दिए मरे या इलाज के लिए स्वयं आया, या तो डॉक्टर साहब भेजे होंगे चाहे वो मरीज स्वयं इलाज के लिए आया। जबकि एम्बुलेंस में मृतक का शव एक चादर से लिपटा हुआ था और मृतक का पैर भी चादर से बाहर था, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि में काफी आक्रोश है और जिला पदाधिकारी से दोषी स्वास्थ्य कर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आयु लगभग इस व्यक्ति का, यह बेंगलोर से 23 तारीख को यहाँ आया था, उसके बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी तो ये लोग प्राइवेट डॉक्टर पहले नैयर हबीब साहब के यहाँ गए, तो नैयर हबीब साहब इनको दवा हुआ दिए लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग ओम प्रकाश साहब को दिखाए, उनके यहाँ भी फायदा नहीं हुआ, तो आज ये लोग सदर अस्पताल अररिया लेकर के इनको गए और सदर अस्पताल में सबसे पहले इनका कोविड का टेस्ट लिया गया सैंपल और उसको जाँच में भेजा गया। टेस्ट लेने के 3 घंटे के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है और सदर अस्पताल के चाहे वो सीएच हो, जो भी वहाँ इंचार्ज हो, बगैर टेस्ट रिपोर्ट आए हुए उनको खुले हुए वैसे ही हालत में उनके घर पर एम्बुलेंस के द्वारा, सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया। जब हम लोगों को ये मालूम हुई कि उनका टेस्ट लिया गया था, हमने कहा कि अब तक इसका रिपोर्ट नहीं आया था, इस एम्बुलेंस को यहाँ से जाने नहीं देंगे और ना ही इसको खोलने देंगे गेट को, किसी को ड्राइवर को बाहर करवा दिए, एम्बुलेंस को लॉक करवा दिए। उसके बाद 4:30 बजे जब रिपोर्ट आता है
तो मालूम होता है कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब इतनी बड़ी ब्लंडर भूल कहिए या इतनी बड़ी गलती या लापरवाही कहिए कि ये सदर अस्पताल के पदाधिकारी इससे पहले भी किए हैं, फिर कर रहे हैं, और सरकार कहती है कि कोविड के वजह से पूरा सतर्कता बरता जा रहा है, पूरा जो है इसमें सब लोग मिल करके पूरा कंसस है। हम तो यही कहेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से फेल विफल है इसके क्या कहें कोरोना के केस में भी मान लीजिए विफल है। आप लोग अगर ये सजगता नहीं दिखाते तो इसका क्या परिणाम होता है? आज हम लोग अगर ये नहीं करते तो जिस तरह का घटना हुआ था, हमारे गांव के नौजवान लड़के की मृत्यु हुई थी, किसी को पता भी नहीं था कि ये कोरोना से मरे हैं, लोगों का हुजूम आ गया था, औरत मर्द बच्चा, आज क्या होता कहना मुश्किल था। बहुत बड़ी और अभी तक कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो आप प्रशासन के हो, चाहे आपको क्या कहते हैं कि मेडिकल टीम हो, कोई भी यहाँ नहीं आया पूछने के लिए। हम लोग लगातार फोन कर रहे हैं, सारे लोगों का फोन रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। बहुत बड़ी लापरवाही है जी, बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की भी और मेडिकल टीम की भी। लोग कोरोना पॉजिटिव अंतिम संस्कार में जो शामिल होते वो होते, और जितने गांव की महिला और गांव के बच्चे उनको देखते आते वो लोग सारे लोग पॉजिटिव होते। वहीं सिविल सर्जन ने कहा है कि मृतक ने अपना ट्रेवल हिस्ट्री को छिपाया है, बंगलोर से आने के बाद होम क्वारंटीन में रहना चाहिए और अपना सैंपल जांच कराना चाहिए था। लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है जिससे हम कोरोना की इस जंग को जीत सके। व्यक्ति को शुरू में ही आकर के कोरोना का जांच करवा लेना चाहिए था, क्योंकि बाहर से आया था, माने अभी है, पहले जब एक एक आदमी बाहर से आया था तो सभी का हम लोग ट्रैक किए हैं, सभी के घर घर जा करके उसको कोई सिम्टम है कि नहीं ये सब देखे हैं। दूसरे राज्य से चाहे बंगलोर, सब तो हाई रिस्क वाला एरिया में आता है, और वो बंगलोर से आया है और किसी को सूचित नहीं किया। तब यही सब है कि जो देखिए अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि जो है सो बाहर से, बाहर के राज्य से आने वाले पर प्रथम है कि हम लोग उसको होम क्वारंटाइन करते हैं। कोई भी व्यक्ति VIP आदमी क्यों न हो, IAS अफसर से लेकर MP तक कोई भी आदमी आएगा बाहर से अन्य राज्य से, उसको 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना ही है। MP साहब स्वयं 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहे थे, जबकि उस समय जो है सो इतनी अति भी नहीं थी, मैंने जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नहीं चल रही थी, इक्का दुक्का केस मिल रहा था। तो हम लोग का है कि कोई भी आदमी बाहर से आता है उसको हम लोग 14 दिन होम क्वारंटाइन में रखते हैं, यह देखने के लिए कि कोई सिम्टम तो अपियर नहीं हो रहा है, या नहीं तो उसका उसी बीच में जांच भी करवा लेते हैं, जाँच तो अब सब सुलभ हमारे यहाँ हो गया है। वही व्यक्ति जो है कैसे अब कितना प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहा है, घर है उसका बिहार प्रखंड में, ससुराल भी आता जाता था, वो अररिया प्रखंड में है कहीं किसी गांव में, भूल रहे हैं नाम उसका। अब दोनों जगह हम लोग को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, कंटेनमेंट डॉक्टर से भी मिला है, हाँ डॉक्टर से भी मिला है। अब डॉक्टर से भी पूछना है कि कितना बार आप देखे हैं उसको, कब कब देखे हैं, कितना समय, उनको भी हो कायदे से तो उनको भी होम क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए, डॉक्टर साहब को भी होम क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए, कम से कम मरीज तो उनको नहीं ही देखना चाहिए। अब कस्बा थाना क्षेत्र के NH 57 इस